यूपी के उन्नाव की 12 सगवार पुलिस को देर रात उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लग गई जब वाहन चेकिंग करने के दौरान वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद इनसे पूछताछ और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। हालांकि पुलिस वाहन चोर गिरोह के इन 4 सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रात का अंधेरा होने के कारण इस गिरोह का सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस के इस वाहन चोर गिरोह के पकड़े जाने के बाद जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर एक बड़ा अंकुश लगेगा। उन्नाव की थाना बरसगवार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को देर रात टेढ़ा चौराहा पर वाहन चेकिंग करने के दौरान पकड़ लिया। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान कई मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध लगे। इन लोगों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये सब भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को दौड़ाकर पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान गिरोह का सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इन लोगों से जब गाड़ियों के कागज मांगे गए तो नहीं दे पाए, जिसके बाद भागने का कारण पूछने पर सब कुछ कबूल कर लिया, जिसके बाद इन सभी की निशानदेही पर पुलिस ने एक स्थान से कई मोटरसाइकिल बरामद की। इन चोरों के पास से पुलिस ने कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद की। ये चोर चोरी करने के बाद सबसे पहले गाड़ी को कई हिस्से में काटकर अलग कर देते थे और कई महीने बाद जब मामला शांत हो जाता था तो उसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेच देते थे। इस वाहन चोर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और सरगना को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। उन्नाव की 12 सगवार पुलिस को मिली इस सफलता के बाद से वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। वहीं सीओ सिटी ने बताया, विशेष अभियान के तहत ये मोटरसाइकिल चोर हाथ लगे और सरगना बचकर भागने में सफल हो गया है। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही उसको भी धर दबोचेंगे। हालांकि इन लोगों के पास से कुल 5 चोरी की गाड़ियां बरामद हुई है। पेश है उन्नाव के संवाददाता साबान मलिक की खास रिपोर्ट। देखिए, जनपद में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे उन्नाव कप्तान महोदया के आदेशानुसार हमारे एडिशनल एसपी नॉर्थ सर के निर्देशन में और उनके निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई हमारे 12 सगवर थानाध्यक्ष उत्तम सिंह राठौड़ कर रहे थे। उन्होंने एक वृहद चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके तहत बीती रात जब टेढ़ा चौराहे पे ये लोग चेकिंग कर रहे थे तो सामने से इनको 3 बाइकें आती हुई दिखाई दी। जब उनको रोका गया, रोकने का इशारा किया गया, तो वो लोग रुकने की जगह वो लोग भागने लगे। तो एक ब्रीफ चेस के दौरान इनको दौड़ा के जब पकड़ा गया तो उस दौरान एक व्यक्ति भागने में सफल रहा और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, इनको ले आके थाने पर जब वृहद पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना नाम क्रमशः आशीष कुमार और मुनेश्वर कुमार स्वीकारा। ये लोग एक उसिया थाना बीघापुर के रहने वाले हैं और दूसरे हमारे थाना 12 सगवर के रहने वाले थे। इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये जो मोटरसाइकिलें 3 इनके पास से बरामद हुई वो चोरी की थी और जो व्यक्ति इनके पास से भागा उसका नाम राम कुमार इन्होंने बताया, जो कि उसिया थाना बीघापुर का ही रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि प्रॉपरली ये लोग एक गैंग ऑपरेट कर रहे थे। इस गैंग का मुखिया उन्होंने राम कुमार को बताया और ये तीनों मोटरसाइकिल उन्होंने चोरी की बताई। और फिर इन्होंने जब इनसे और पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये 2 मोटरसाइकिलें इन्होंने उसिया बीघापुर में बेची है और अपनी निशानदेही पे ये उसको बरामद करा सकते। ये अभी पकड़े नहीं गए थे और इन्होंने जब उस निशानदेही पे जो है इनको पुलिस टीम लेके गई तो उसी गांव में फिर पुनः हम लोगों ने 2 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की और जिन 2 लोगों को बेचा गया था उनके नाम क्रमशः ननकौ पासी और प्रकाश पासी है, जो कि हमारी पुलिस की गिरफ्त में है। और इनका जो मुख्य सरगना है राम कुमार, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके लिए पुनः टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है और जल्दी ही हम उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्होंने अभी जो पूछताछ में स्वीकार किया है कि ये 3 गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 पैशन प्रो है, 1 टीवीएस बाइक है, 1 पल्सर है और 1 स्प्लेंडर है। और 3 तो हमें मौके से बरामद हुई थी, 2 इन्होंने ओसिया बीघापुर में बेची थी, इनकी निशानदेही पे वो दोनों बाइकें भी हम लोगों ने बरामद कर ली हैं।